हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बाथरूम सीपीवीसी पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, सीपीवीसी पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, बाथरूम में गीजर की लाइन किस तरह डाली जाती है, सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीखा था सीपीवीसी पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, किस सामान को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, उसे डिटेल में सीखा था। यदि आपने अब तक वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बाथरूम है जिसमें हमें आज पाइप फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको दो नला नज़र आ रहे हैं, एक गीज़र के लिए है, एक ठंडे पानी के लिए लगने वाला है, गर्म पानी के लिए लगने वाला है, ये शावर के लिए पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे हमें दो नल लगेंगे, एक बेसिकली देखा जाए तो ये ठंडे पानी के लिए लगेगा और एक गर्म पानी के लिए लगेगा। और यहाँ से हमारी लाइन ऊपर चली जाएगी, दैट मीन्स यहाँ से पानी आने वाला है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर फिटिंग आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हमें दो नल फिट करना है, एक हॉट वाटर के लिए, कोल्ड वाटर के लिए। देखिए, दो नलों के बीच में नॉर्मली जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 6.5 इंच से 7 इंच के बीच रखी जाती है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे दो नलों के बीच की डिस्टेंस रख रहे हैं। बेसिकली जो सीपीवीसी पाइप फिटिंग होती है उसका फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप फिटिंग। बेसिकली ये काफ़ी हैवी पाइप फिटिंग होती है और ये गर्म पानी के लिए की जाती है। बट हमें यहाँ पे अच्छी पाइप फिटिंग करना है, इसलिए हम यहाँ पे सीपीवीसी पाइप फिटिंग कर रहे हैं। नॉर्मली जो पाइप फिटिंग होती है वह यूपीवीसी पाइप फिटिंग हो रही होती है, बट आज के स्टूडियो में सीपीवीसी पाइप फिटिंग कर रहे हैं ना। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 टी लगाना होगी। 2 टी हम क्यों लगा रहे हैं पहले हम समझ लेते हैं। एक पॉइंट हमें शावर के लिए ऊपर ले जाना है, आप अभी हम देख लेते हैं, पहले से फिट कर लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट शावर के लिए जाने वाला है और एक पॉइंट हमारा बेसिकली ठंडे पानी के लिए यहाँ पे आने वाला है। 2 टी हमने फिट कर ली है और दोनों को पाइप से ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे हमें एक एल्बो लगाना होगी लाइन को 90 डिग्री टर्न करने के लिए। देखिए, 14 इंच का हमें पाइप लेना होगा। बेसिकली क्या होता है, हमारा आधा या 1/4 इंच पाइप टी में जाता है और आधा या 1/4 इंच पाइप हमारा एल्बो में जाएगा। तो 1 इंच पाइप या 1.5 इंच पाइप हमें ज़्यादा लेना है जितनी मेजरमेंट है उससे, क्योंकि आधा आधा 1/4 इंच बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट होता है इसमें जाता है। देखिए, हमारा यहाँ पे हमने एल्बो करके लाइन को यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 90 डिग्री टर्न किया है। अब यहाँ पे हमें एक और एल्बो लेना होगी क्योंकि यहाँ पे भी हमें लाइन को 90 डिग्री टर्न करना है। तो यहाँ पे पाइप को जो आपको लेना है जितनी बीच की डिस्टेंस आ रही है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है या 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि बेसिकली थोड़ा थोड़ा पाइप के अंदर जाता है। देखिए, इस तरह से हमें मेजर करके लगा लेना है। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट जो सीपीवीसी पाइप फिटिंग के लिए होता है उसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से एक पाइप की लाइन हमारी पीछे की तरफ बाथरूम है, वहाँ पर भी जाने वाली है। तो हम यहाँ पे एक टी लगा लेते हैं। टी लगाने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे इस बाथरूम में बेसिकली एक ठंडे पानी के लिए लाइन जाना और एक बाथरूम बेसिकली टॉयलेट के लिए जाना है। देखिए, यहाँ पे हमने टी लगा दी है। टी लगाने से क्या होगा कि हमारी एक लाइन उस बाथरूम में चली जाएगी, टॉयलेट में चली जाएगी, और एक लाइन इसे ठंडे पानी के लिए आ जाएगी। ये हम 1 इंच की पाइप फिटिंग कर रहे हैं। देखिए, 1 इंच का पाइप फिट अभी हम कर रहे हैं। देखिए, उधर एक पॉइंट हमारा टॉयलेट के लिए चला गया, उधर हम पाइप कनेक्ट कर लेंगे दूसरे बाथरूम में। और यहाँ पे हम एक रेड्यूसर लगा लेते हैं क्योंकि गीजर के लिए 1 इंच की पाइप की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबरन हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 इंच के पाइप के लिए एक रेड्यूसर लगा लेते हैं 1/4 का। देखिए, 1/4 का एक रेड्यूसर लगा लिया है। रेड्यूसर लगाने से हमारी लाइन क्या हो गई है, 1/4 इंच की हो गई है, जिससे हमारा पानी भी कम जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ गीजर का एक ही पॉइंट है, इसलिए हमने 1/4 इंच की एक रेड्यूसर लगा लिया है, जिससे पाइप की कॉस्ट भी हमारी बचने वाली है। देखिए, यहाँ पे हमें सॉल्वेंट को अच्छे से लगा लेना है और एक लाइन को हमें गीजर के लिए जो ठंडा पानी होता है, जो इनलेट वाल्व होता है गीजर का, उसके लिए पानी यहाँ पे जाना है। तो हमें पहले दोनों पहले पाइप को नाप लेना है। देखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से लाई के और ऊपर हमने ब्रास एल्बो लगा दी है ताकि वहाँ पे हमारा नल फिट हो सके ब्रास एल्बो में। अब हमें यहाँ पे ठंडे पानी के लिए एक ब्रास एल्बो लगाना है क्योंकि जितने भी नल या गीजर बेसिकली शावर होते हैं वो ब्रास एल्बो या ब्रास टी में फिट होते हैं। देखिए, इसमें रेट दिए गए हैं। बेसिकली नीचे से जो नल की डिस्टेंस होती है वो 2 फीट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जो ज़मीन से डिस्टेंस होगी वो 2 फीट होने वाली है। तो हमने नीचे से 2 फीट मेज़र कर ली है और यहाँ पे हमने इस ब्रास एल्बो एक लगा दी है। ब्रास एल्बो लगाने से यहाँ पे थ्रेड दिए गए जिससे इसमें आसानी से नल या टैप फिट हो सकता है। देखिए, अब हमें यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एक कंसोल्ड वाले शावर वाल्व को हमें कनेक्ट करना है। देखिए, शावर में हमें एम टी एस कनेक्ट करना था, मेल थ्रेड सॉकेट। तो हम यहाँ पे मेल थ्रेड सॉकेट कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर टेफ्लॉन टेप लगा के सॉल्वेंट लगा के
यह हमारा शावर जो वाल्व है, शावर के वाल्व को ऑन ऑफ करने के लिए एक MTS लगाया है और इसे हम पानी से अच्छे टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जो शावर और फ्लश वाल्व होता है दोनों में हमें कनेक्शन के लिए इस तरह से MTS कनेक्ट करना होता है। मेल थ्रेड सॉकेट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए इस पर हमें अच्छे से टेफ्लॉन लगा लेना, दूसरी तरफ भी हमें MTS लगाना है। नॉर्मली इसे MTA भी कहा जाता है, तो MTA वो गलत होता है, MTS फुल फॉर्म होता है, मेल थ्रेड सॉकेट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए हमारा जो शावर वाल्व है, शावर वाल्व में दोनों तरफ हमने MTS कनेक्ट कर लिया, उसे पानी से हमें अच्छा टाइट कर लेना है। ये शावर को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज किया जाने वाला है। देखिए इस तरह से नॉर्मली ये इसमें इनलेट और पानी किधर से आने वाला है, किधर से जाने वाला है, इसमें मार्क किया गया होता है। देखिए इससे हमें जो नल लगाया है या टैप लगाया है उसे 1 फिट ऊपर फिट करना होता है। तो ये नॉर्मली 3 फिट पे आने वाला है, 2 फिट पे हमारा नल आया था, तो 3 फिट पे हमारा शावर के लिए आ जाएगा। तो इसे हमें अच्छे से पहले सॉल्वेंट लगा लेना है और इसमें एक पाइप लगा के जॉइंट करके इसे हमें यहाँ पे जो टी लगाई हमने शावर के लिए, इसे यहाँ पे फिट कर देना है। हम शावर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ऊपर हमें एक ब्रास एल्बो लगा के पाइप को ऊपर लगा देना है, ताकि जब हमें शावर वहाँ पे फिट करना हो तो ब्रास एल्बो में हम वहाँ पे उसे टाइट कर सके। तो ब्रास एल्बो एक लगाकर पाइप को हमें जितना हमें हाइट लेना है उतनी मेजर करकर वहाँ पे हमें इस तरह से सिंपली फिट कर देना है। तो ये हमारे शावर का जो कनेक्शन था या शावर का पाइप था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठंडे पानी का भी हो चुका है और शावर का भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हमने शावर के लिए पॉइंट दे दिया है और पाइप फिट करने के बाद उसमें आप अच्छे से खिली ठोक लीजिएगा, ताकि आपका पाइप जो है वो बाहर नहीं आ सके। अब हमें गर्म पानी के लिए, हॉट वाटर के लिए एक पॉइंट देना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली दोनों नलों के बीच में हम 7 इंच की डिस्टेंस रख रहे हैं। तो 7 इंच की डिस्टेंस पे हमने दोनों ब्रास एल्बो को फिट किया है और यहाँ पे मेजर कर लेना है कितनी डिस्टेंस है। तो मेजर करने के बाद हमें यहाँ पे एक पाइप को काट कर उसमें फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से ब्रास एल्बो से हमें एल्बो को जोड़ना है। देखिए ब्रास एल्बो में बेसिकली हमारा नल फिट हो जाएगा इस तरह से, और सिंपल एल्बो से लाइन हमारी टर्न हो जाएगी। देखिए कोने में हमारी लाइन टर्न करना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमें यहाँ पे टर्न कर लेना है। बेसिकली गीजर के लिए हम 1.5 इंच पाइप का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से इस तरह से लाइन को और टर्न करना है 90 डिग्री। तो एक और एल्बो हम लगा लेते हैं और इस पाइप को हमें मेजर कर लेना है एकदम एक्यूरेट। दोनों नल ने एकदम सेम हाइट पे होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस पाइप को मेजर कर ले एक्यूरेट कितना आ रहा है, और एक्यूरेट दोनों पाइप ने आपके बराबर डिस्टेंस पे फिट होना चाहिए, किसी ने भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमारा पाइप दोनों फिट हो चुके हैं गीजर के लिए। चलिए हमारे शावर का भी कनेक्शन हो गया है और गीजर के लिए दोनों पाइप का भी कनेक्शन हो गया है। अब हमें इनलेट कनेक्शन करना है, पानी कहाँ से लाना है। तो हमें एक पानी के लाने के लिए ऊपर पाइप ले जाना है और एक यहाँ पे बेसिकली बाथरूम के बाहर हमें एक देखा जाए तो एक यहाँ पे बेसिन लगाना है। तो बेसिन के लिए एक पॉइंट बाहर ले जाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बाहर ले जाना है। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट बाहर ले जाना है और एक पाइप लाने के लिए ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर हम पहले एक टी लगा लेते हैं बेसिन के नल निकालने के लिए। देखिए एक टी हमने पहले लगा ली। बेसिकली यहाँ पर बीम है तो यहाँ पे हम झीरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 45 डिग्री से टर्न करके सिंपली यहाँ पे पाइप डालना होता। देखिए हमने यहाँ पे एक हाफ सॉकेट लगा लिया है लाइन को 45 डिग्री टर्न करने के लिए। यदि वहाँ पे हम झीरी कर सकते तो हम 90 डिग्री टर्न करके आसानी से कर सकते थे, बट वहाँ पे बीम दिया गया है तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से लाइन को 45 डिग्री टर्न कर लेना है। यदि वहाँ पे झीरी हो सकती तो हम वहाँ पे एक एल्बो लगा लेते हैं। तो देखिए टी में पहले हमने एक हाफ सेट लगाया है और हाफ सेट लगाने के बाद हमें इस तरह से देखिए पहले एक मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि हम एक पाइप ऊपर भी ले जा सके। देखिए नीचे के पाइप लाने के लिए हमने कनेक्शन कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने एक एल्बो लगाई है जो कि टी के साथ फिट होगी, और इसके बाद इस लाइन को भी हमें 45 डिग्री ऊपर टर्न करना है ताकि हम यहाँ से जो झीरी से पाइप आया है वह बाहर जा सके। देखिए अभी हम इसमें एक बेसिकली देखा जाता है एक हाफ सॉकेट लगा लेंगे सॉल्वेंट लगाने के बाद। देखिए हाफ सॉकेट हमने लगा लिया है। देखिए लाइन हमारी यहाँ पे भी 45 डिग्री हम टर्न कर लेंगे। चलिए एक पाइप हमने यहाँ पे फिट कर लिया है इस तरह से। देखिए ये मैकेनिज्म आपको बनाना होता है, कहाँ पे आपको हाफ सेट लगने वाला है, कहाँ पे एल्बो लगने वाली है, ये आपको थोड़ा ध्यान जैसे जैसे आप वक्त सीखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। देखिए हमारे देखिए दो मैकेनिज्म बन चुके हैं, एक से देखा जाए तो हमारा पानी बेसिन के लिए चला जाएगा और एक से इनलेट वाल्व होने वाला है या ऊपर टंकी से पानी आने वाला है। चलिए इसे हमें यहाँ पे फिट कर लेना है। और देखिए इस तरह से जब आप पाइप को मेजर करें तो 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लेना है ताकि जो एल्बो या टी होती है उसके अंदर भी हमारा पाइप जाता है 0.5 से 1/2 इंच। तो आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए इस तरह से अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब हमें एक बाहर पानी ले जाना, वाटर एक टैप ले जाना है, नल ले जाना है।
तो हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कितना, और यहाँ पे हमें एक FTA लगाना होगी। देखिए ये FTA है, फीमेल थ्रेड सॉकेट, FTS कहा जाता है इसे, क्योंकि एक पॉइंट हमें बाहर ले जाना है दीवार के बाहर, जहाँ भी हमें पॉइंट रखना होता है वहाँ पर हम FTS लगाते हैं। देखिए FTS में क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम ब्रास एल्बो नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं तो हमारा नल की जो पोजीशन होगी नीचे की तरफ आ जाएगी, हमें दो एल्बो एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो हम यहाँ पे FTS लगाने वाले हैं। देखिए इस तरह से इस FTS में हमारा नल फिट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बेसिन के लिए पॉइंट आने वाला है। चलिए FTS को हमने फिट कर लिया है, और यहाँ पे हम इस पाइप को बाहर से फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे बेसिन के लिए जो एक हमें टैप छोड़ना है, नल छोड़ना है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे यहाँ से बेसिन में भी पानी चला जाएगा। अब हमें ऊपर के लिए एक इनलेट वॉल्व करना है। देखिए इस तरह से हम पहले कर लेते हैं। देखिए एक पाइप हमें लाना है, और पानी के इनलेट वॉल्व के लिए इसे हमें पहले मेजर कर लेना है कितने बड़ा हमें पाइप लगाना है, और यहाँ पे हमें सॉल्वेंट लगा के जो एल्बो हमने लगाई है ये हाफ सेट लगाया है 45 डिग्री लाइन को टर्न करने के लिए, तो इसे हमें यहाँ पर फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से अब ये हमारा पानी ऊपर की टंकी से आ जाएगा। देखिए किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करेगा यह भी हम सीख लेते हैं, किस तरह हमारा पानी जाए। देखिए यहाँ से पानी हमारा आने वाला है, देखिए पानी यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ से हमारा बेसिकली बेसिन में पानी चला जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा पानी सिंपली आया यहाँ से, और यहाँ से ठंडा पानी हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ से ठंडा पानी हमें मिलने वाला है, यहाँ से हमारे गीजर में भी पानी चला जाएगा। ठंडा पानी गीजर के लिए इनलेट कनेक्शन है इधर वाला पाइप हमारा। अब देखिए ठंडा पानी हमारे गीजर में चला गया है, यहाँ से हमारे शावर में भी पानी चला जाएगा, ठंडा पानी चला जाएगा। देखिए ठंडा पानी का कनेक्शन कंप्लीट होगा। अब गर्म पानी के लिए यहाँ से गीजर से हमारा पानी आएगा, गर्म पानी जो गीजर से होकर आएगा, और यहाँ से हमें इस नल से या स्टेप से हमें गर्म पानी मिलने वाला है। सो इस तरह हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो CPVC पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, इसके लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। यहाँ पर हमने CPVC पाइप फिटिंग की है, नॉर्मली UPVC पाइप फिटिंग की जाती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।